Hello students, let's consider the question, the inverse of the function. ठीक है, function है हमारे पास जिसे हमने suppose किया y is equal to f x और ये है अपने पास 8 whole raised to the power 2x minus 8 whole raised to the power minus 2x, 8 whole raised to the power 2x plus 8 whole raised to the power minus 2x. अब देखिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इट मींस फंक्शन इनवर्टिबल होगा ही होगा. हमें सिंपली क्या निकालना, फंक्शन का इनवर्स निकालना है. तो इनवर्स का प्रोसेस हम शुरू करते हैं, y is equal to, इसमें से 8 की पावर 2x को हम इधर ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 8 की पावर 4x minus 1, इधर से हो गया 8 की पावर 4x plus 1, नीचे 1 लेके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 8 की पावर 4x into y plus y, 8 की पावर 4x minus 1, इसको इधर ट्रांसपोज करते हैं, 8 की पावर 4x को हमने कॉमन लिया, this is y minus 1, y को इधर लाते हैं, तो minus of y plus 1, यहां से x की वैल्यू हमें निकालना है हर हाल में, तो ये हो गया, minus को इससे हटा देंगे, तो y plus 1 और 1 minus y, 4x हमें मिला कितना, कि log of 8 बेस पर, क्योंकि exponential जब इधर आएगा तो ये logarithmic function में change होगा, जो बेस exponential का है वही बेस logarithmic का होता है, और ये बन गया अपने पास y plus 1 and 1 minus y, तो यहां से x is equal to कितना हो गया, 1 upon 4. अब देखिए इस base change formula, log का जो base change formula होता है उससे हम इसको change करते हैं, तो log 8 बेस पर ये है, इसको हम लिख सकते हैं log e बेस पर y plus 1, 1 minus y, और नीचे लिख देंगे log e बेस पर 8, इसको अगर ऊपर ले जाते हैं तो ये number और base दोनों आपस में interchange हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा log 8 बेस पर e by 4, तो option मिला लेते हैं log 8 बेस पर e by 4, log e बेस पर 1 plus x upon 1 minus x, ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई, x की वैल्यू आई, चलिए इसको ऊपर ले जाके हम लिखते हैं 1 upon 4 log 8 base पर e into ln, ये हो गया y plus 1, 1 minus y. अब ऊपर आते हैं, जैसा कि y is equal to fx suppose किया था, तो यहां से x is equal to कितना हो गया, f inverse y, तो simply ये x हमारा क्या है, f inverse y है, किसके टर्म्स में आया, y के टर्म्स में आया, तो x के टर्म्स में अगर लिखेंगे तो y को x से रिप्लेस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 upon 4 log 8 बेस पर e log x plus 1, 1 minus x, क्योंकि डिस्प्ले हो रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, तो सही ऑप्शन इसका होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3. तो बच्चों ये एक सिंपल सा प्रोसेस था जिसको एनसीईआरटी बोर्ड में इसी प्रोसेस को यूज करके हम फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं. होपफुली आपको इसका तरीका सफलतापूर्वक समझ में आ चुका होगा. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू वेरी मच.